नजर नहीं आ रहा कुछ भी। राफिया नजर ही नहीं आ रही, तुम भी नजर नहीं आ रही थी। नजर नहीं आ रहा। चले आग जलाएं। ऊपर से तारों की आवाज आ रही है, उन पे शबनम गिरती है, पानी गिरता है तो आवाज आ रही है।
चलें जी, मेरा तो नाश्ता हो गया है तैयार। माशाल्लाह जी, ये तो मोंगरा तो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो गया है और मूलियां भी जी देखिए जबरदस्त हो चुकी हैं। इसकी गोडी की थी तो पानी नहीं लगाया था, इसको लगा दिया, लाइट चली गई थोड़ी सी, अब इसको लगा रहे हैं। चलो जी, राफी ने कहा है मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताएं मेरी बहनें कि ये मुझे कैसा लग रहा है। राफी कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैं को तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो भी सब कुछ अच्छा लगता है। चलो ठीक है जी, ये लास्ट जोड़ा था तो हमने सोचा ये भी आपको पेन जोड़ा है। पेन पेन कर दिखा दे, छह पूरे हो गए। ठीक है, तो कल जो है एक सूट पकाया घिन सू, कल जो है ना बहुत ज्यादा मेरे काम थे, हद से ज्यादा काम थे, कल मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अपलोड नहीं कर सका, तो काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और राफिया की शरारतें भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए मसला जो है हमारे साथ बनता है। मैं क्या कुछ नहीं काम, चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या किया है। डुगू से हो गई तुम्हारी मुलाकात? डुगू अब ये सोच रहा है कि भाई पता नहीं क्या मसला है, ये इसके आगे दरवाजा लगवाना था और ये बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी क्योंकि इनको बांधते थे तो इनको गले में मसला बन जाता था क्योंकि अभी छोटे हैं। ठीक है जी। अच्छा तो कल ये दरवाजा लगाया है, राफिया आ जाए, कहाँ कहाँ भाग रही हो, इधर आए, मेरे काम पड़े हैं, कहाँ भाग रही हो? ये असल में ये आपका काम है, उधर जाएं, उधर जाएं। अच्छा जी, ये एक तो बंद किया है इसको, ईंट सामने लगा के, ठीक है, ये सारा बंद करके नीचे तूड़ी डाल दी है, अब ये जो है ना मजे से रहेंगे बकरे वगैरह, इसको फिर आगे से बंद करके इसके आगे भी डाल देते हैं तपड़ी वगैरह। ये लगवाया है दरवाजा, इनको अब छोड़ दिया है खुला। अंदर हुआ क्या था कि ये अंदर आ गए। हाँ आ रहा हूँ अंदर, रफी मैं उनको बता रहा हूँ, इधर थोड़ी सी हो जाओ। अच्छा ये देखें, अब खुले फिर रहे हैं ना तो इनके गले में रस्सियाँ नहीं है, ये निकाल दी गई हैं क्योंकि ये एरिया मैंने बनाया था इन्हीं के लिए, तो माशाल्लाह सफाई सफाई कर दी है। ये रस्सियाँ जी इनकी, और ये रस्सियाँ जो अब हैं इधर ही लटकी रहेंगी, उसकी वजह ये है कि ये हैं मासूम छोटे। ये बड़ा प्यारा है, ये बहुत प्यार करता है, ये मासूम हैं छोटे हैं,
तो इनके एक दिन हुआ कैसे, राफिया मैं आपको, राफिया तुम बताती हो, इससे ये बेचारा लेटा हुआ था, बस अब जाने वाला था, और वजह ये थी कि इसको ना गले में जो इसकी रस्सी थी ना वो बंद हो गई, क्लोज हो गई, तो बेचारा ऐसे बंधा हुआ था तो गिर गया, तो इसलिए ये जो सिलसिला है ना इनका हो गया है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। राफिया तुम भी कुछ बात कर ही लो, आज तो बिल्कुल चुप हो, बहुत ज्यादा। चल आपको बताता हूँ अगली कहानी, ये है इधर आए सामने, इधर आ जाए। हाँ अगली कहानी ये है कि राफिया और मेरी लड़ाई कभी भी नहीं होती, बिल्कुल राफिया और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं, थोड़ी सी वीडियो में मजाक वगैरह करते हैं और आप समझ लेते हैं कि भाई ये लड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते बल्कि अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। मैंने राफिया को कभी भी अपनी वजह से या किसी थोड़ा बहुत कभी डांट देता हूँ कोई गलती हो तो, वैसे मैंने कभी भी नहीं डांटा राफिया को। राफिया आपके सामने खड़ी है, राफिया पूछ ले, बताए राफिया कभी मैंने डांटा है आपको? कभी बीबी को डांटा है? कभी नहीं। नहीं, अच्छा नहीं डांटा ना? झूठे बोला है बीबी का? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा कभी शॉपिंग कराई है बीबी को? कभी नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आपको बाजियां शॉपिंग कराती है, मैं नहीं करा सकता, तो भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से राफिया के साथ रहता हूँ और इतने यकीन कर कि हमारी बेहतरीन लाइफ है, इतनी अच्छी मैं तेरे ना रानियां जो कोई, बहुत बेहतरीन लाइफ है, मतलब आपनी तारीफ है, बड़ा सुकून है। नहीं नहीं मेरी, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, चलो ठीक है, ये राफिया मेरे साथ इतने सुकून से रहती है, मुझे बहुत ज्यादा सुकून है और हमारा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। ये थोड़ा सा हम वीडियो में शुगल वेला मजाक कर लेते हैं, तो इसे आप सीरियस बिल्कुल ना लिया करें बल्कि एंजॉय करें, क्योंकि राफिया की जो होते हैं ब्लड हाई हो वेंदा है, थोड़ा सा मेंटल हो वेंदा है। हाँ ब्लड भी हाई होता है, सब कुछ हो जाता है, कैमरा बंद होता है ना, ये बार कुछ होर हो वेंदा है, बिल्कुल इसी तरह की बात है। देगड़ी वाली चाय आज राफिया बना रही है, देगड़ी वाली चाय है राफिया जी, देज की, देज की नहीं होती, देगड़ी होती है, ये देगड़ी इसे कहते हैं, और ये होती है देगड़ी वाली चाय जो लकड़ी पर तैयार होती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देज की, देज की आपको किसने कहा है? ये देगड़ी वाली चाय है, तेरी अम्मा का है। तो फिर वैसे ये चाय जो होती है ना ये बड़ी जबरदस्त, इसका जायका बड़ा जबरदस्त होता है, ये मैं आपको बता दूं। आज तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है और आसमान भी बिल्कुल साफ है ना? मैं पंखा चलाया हुआ था, पंखा चलाया हुआ था, सुबह इतनी तेज सर्दी थी तो मैंने पंखा चलाया हुआ, और दोपहर को पंखा आपने चला लिया कैसा है? ठीक है, अब इसमें दूध डालोगी और इसको अच्छे तरीके से फांटोगी ना इस तरह, तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं कैसे कावा राफिया तैयार हो चुका है, अब इसमें तुम ना दूध डालो, तैयार हो चुका है, दूध डालो बस, दूध डालना है और क्या डालना, बड़ा मजा आएगा राफिया, डाल दूध ऐसे पट्टियां पढ़ा रहे हैं जो बना क्यों कमी को काम दी डां दी ने, चले एक कप और डालें, वाह महंगाई है नी, महंगाई है ना, कम कम करो बस, ये ठीक है, बड़ा बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा फांटो फिर, लो ऊपर पर वो उठा के फांटते ऐसे, वाह राफिया भरा हो गया, चले इसको फलाएं अच्छे तरीके से और डालें कपों में, वाह वाह भैया बस करें आप।